फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका टेट के एग्जाम को लेकर है, यानी कि सी टेट और यूपी टेट के लिए है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आपको आखिर पढ़ना क्या है सी टेट एंड यूपी टेट में, क्योंकि अब ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो आपकी सी टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाएगा। और यदि हम लेवल की बात करते हैं तो वो है प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर जो आपके सी टेट यूपी टेट के एग्जाम्स होते हैं उसकी जो तैयारी है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाएगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम आपके लिए जो है तो बोर्ड पे तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूरी प्रिपरेशन तैयारी है बोर्ड पे ही करवाएंगे, लेकिन आगे चल के आपके लिए जो है हम लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत अब कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं कि अब आप जो है टेट की प्रिपरेशन करवाइए, तो बिल्कुल हम करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका सी टेट यूपी टेट 2019 में होना है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो दोनों में, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो, प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस होता है बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि इसमें इन आपको ये जो पांच सब्जेक्ट है, इन पांच सब्जेक्टों को पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है जो आपको पढ़ना है, तो वो है आपका बाल विकास। दूसरा सब्जेक्ट क्या है जो आपको पढ़ना है, वो है भाषा। हम डिटेल में आपको बताएंगे किस में क्या पढ़ना है, ठीक है। और जो तीसरा है, यानी भाषा में ही दूसरा जो पार्ट है, भाषा में दो पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड है, ठीक है। और इसी तरह से आपका गणित है, यानी मैथ है, और इसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन है, ओके। तो फ्रेंड्स, इसमें चलिए अब ये देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर बाल विकास में आपको पढ़ना क्या है और कितने नंबर के आपके ये पेपर होते हैं। तो देखिए, आपका जो टोटल पेपर होता है वो होता है 150 मार्क्स का टोटल पेपर आपका होता है, यानी कि ये पूरे जो पेपर है यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 150 मार्क्स हो गए, ठीक है, 150 मार्क्स आपके हो गए। अब अगर हम इनको डिवाइड करें कि कौन सा पेपर कितने नंबर का है और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखिए बाल विकास की अगर हम बात करते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की बात करते हैं, तो इसमें से आपको जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 30 ही नंबर के होते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, यानी पर क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। इसी तरह से यदि हम भाषा की बात करें, थोड़ा भाषा को समझिएगा, क्योंकि फॉर्म जो है अभी लास्ट डेट 5 मार्च है, आपको मैं बता दूं, तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर लीजिए। और इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाषा में जो फर्स्ट भाषा होती है, यदि आपने उसमें जो सब्जेक्ट चूज किया है लिया है, तो सेकंड भाषा में आप वो सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि यदि आपने फर्स्ट वाली में, फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी ले लिया है, ठीक है ना, तो सेकंड लैंग्वेज में आप हिंदी नहीं ले सकते हैं। हिंदी के अलावा जितनी उसमें लैंग्वेज दी हुई है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, जो भी लैंग्वेज वहां पे दी हुई है आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा इसका रूल है कि जो लैंग्वेज, जो भाषा आपने फर्स्ट में ली है वो आप सेकंड में नहीं लेंगे, ठीक है। तो यदि आपने फर्स्ट में हिंदी ली है तो आप सेकंड में इंग्लिश ले लीजिए, या फिर उर्दू यदि आपसे आती है तो आप वो ले सकते हैं। तो ये भाषा क्लियर हो गया आई थिंक कि भाषा में आपको क्या लेना है। अब गणित देख लेते हैं। गणित में जो, तो भाषा में भी जो आपका है, सॉरी भाषा में जो है ये भी आपका कितने नंबर का होता है, ये भी आपका 30 नंबर का, यानी 30 नंबर का आपका ये पेपर होता है, 30 नंबर का ये, इससे क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैथ देख लेते हैं, तो मैथ में भी जो ये है 30 नंबर का, 30 नंबर का, ठीक है, यानी कि सभी जितने पार्ट इसके हैं, और पर्यावरण अध्ययन भी जो है 30 नंबर का, तो इसके जितने भी पार्ट है सभी पार्ट जो है 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं। बाल विकास में 30 नंबर 30 क्वेश्चन, भाषा एक में 30 नंबर 30 क्वेश्चन, भाषा दो में 30 नंबर 30 क्वेश्चन, गणित में 30 नंबर, और पर्यावरण में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। टोटल कर ये कितने हो गए, अगर सीधा करेंगे तो 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं, और 3 से, तो 5 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150, यानी 50, तो 150 यानी 150 के क्वेश्चन 150 नंबर के। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, 150 जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 150 नंबर के होंगे। अब इतना क्लियर हो गया है, तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है।
देखिए सबसे पहले यदि हम चलते हैं बाल विकास पे, ठीक है ना। बाल विकास क्योंकि आप प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो बीएड वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। प्राइमरी के लिए यदि आपने डीलेट किया है, आपने बीटीसी किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो आपने देखा होगा कि जब आपने डीलेट किया, बीटीसी किया है, तो उसमें आपका दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आप अधिगम के बारे में पढ़ते हैं, भाषा के बारे में पढ़ते हैं, बच्चों के बारे में आप पढ़ते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, स्कूल में किस तरह शिक्षा दी जानी चाहिए, अधिगम क्या होता है, सीखना सिखाना क्या होता है, बच्चे किस तरह के होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में आपने पढ़ा होगा, हैंडीकैप बच्चों के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ। एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होगा, थोड़ा माइंड पे जोर डालिए, वो चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो जो भी कुछ आपने उसमें पढ़ा है, इसीलिए आपका जो ये इंट्रेंस एग्जाम होता है टीचर के लिए, क्योंकि टेट एग्जाम एक इंट्रेंस एग्जाम होता है टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाल विकास में देखिए, बालक से संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक की वृद्धि ग्रोथ से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछे जाते हैं। फिर समावेशी शिक्षा, अब देखिए बाल विकास को भी कई पार्टों में इसने बांट दिया है, मैं अभी से क्लियर कर दूं। बाल विकास में, बाल विकास यानी बालक से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं कि बालक की ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में, बालक कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे सीखना सीखता है, क्या क्या इनके सिद्धांत हैं, इन सभी के बारे में, तो इसके अलग क्वेश्चन होंगे और वो इसके मार्क्स अलग डिवाइड किए गए 30 में से ही, याद रखिएगा 30 में से ही, जैसे 10 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाएगा। फिर समावेशी शिक्षा है, तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो समावेशी शिक्षा से आ जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपने पढ़ा है। और फिर सीखना एवं अध्ययन, बच्चे जो है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, ठीक है ना, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे विकलांग हो, चाहे जिस तरह के बच्चे हो, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मतलब है पूर्ण रूप से परिपक्व बच्चे होते हैं, उनके साथ में ऐसे बच्चों को बिठा के शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। और फिर सीखना सिखाना अध्यापन 5 नंबर का। तो इस तरह से अगर हम देखें तो, यानी कि मैं अभी श्योर नहीं हूं कि कितने कितने मार्क्स इनको दिए गए हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो बाल विकास में आपको ये सब कुछ पढ़ना है जो 30 नंबर का होगा। भाषा में, भाषा में भी आपने याद किया होगा, याद करिए, जब आप डीलर एबीटीसी किए हैं या कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी आपके एक सब्जेक्ट जो होता है वो भाषा होता है, हिंदी लैंग्वेज होता है। तो उसमें जो आप कुछ पढ़ते हैं वो आपको यहीं पे पढ़ना होगा, भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा क्या होती है, कौशल क्या होता है, बोध गम्यता क्या होता है, अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है, ये सब आप भाषा में पढ़ते हैं और वही आपको इसमें भी पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में। इसी तरह से गणित, अब हम मैथ की बात कर लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रही हूँ मैथ वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनरली प्राइमरी लेवल में जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों की जो मैथ सब्जेक्ट होती है वो कमजोर होती है और वो मैथ से डरते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं होगी, प्रिपरेशन हम करवाएंगे, अगर हमारे साथ जुड़ेंगे इतने आसान तरीकों से करवाएंगे। आप अभी तक के भी वीडियोज वॉच कर सकते हैं जो मैथ के बने हुए हैं, कि एक नई ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे और बहुत आसानी से आप मैथ सीख जाएंगे। तो मैथ में आपको ज्यामिति है, आकार है, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग जो होती है वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, पैटर्न है, समस्याएं, जो भी पेडागॉजिक समस्याएं होती हैं मैथ से संबंधित, वो सभी चीजें आपको मैथ में पढ़नी है। लेकिन जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के लिए है, इसलिए आपको मैथ में डरना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है पर्यावरण अध्ययन। अब ये पर्यावरण जो अध्ययन है इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो पर्यावरण अध्ययन में आपको खेल, पशु, पौधे, भोजन, पानी, प्रदूषण, जो भी चीजें एक एनवायरमेंट में, आप एक पर्यावरण की बुक में जो आप पढ़ते हैं, यदि आपने डीलेट किया, बीटीसी किया, तो उसमें भी आपका पर्यावरण है, तो आप समझ गए होंगे आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें। बिल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जिस तरह हमने अभी सिलेबस बताया है आपका कि जो 5 सब्जेक्ट है इनको आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, नेक्स्ट हमारी वीडियो का वेट करिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 5 सब्जेक्ट हैं इनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हम सभी वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे, हम ये भी बताएंगे किस तरह से आप मैथ को इस तरह से पढ़े कि आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हम आपको बताएंगे किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि देखिए टेट
के एग्जाम सभी लोग ऑलवेज देते हैं, सीटेट के एक बार दो बार नहीं दसों बार देते, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप जब चाहे, जब तक आपकी एज है, एक लिमिट जो रखी हुई है, उसके अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसको निकाल पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको निकाल सकते हैं, हम ये भी बताएंगे किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सभी लोग इतने वो नहीं हो पाते हैं कि सभी लोग सभी सब्जेक्ट में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा इसमें सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और आप इसे निकाल सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि ये था आपका आज का सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि इस सिलेबस को कवर करने के लिए मैं आपके लिए भी से बता दूं, क्योंकि जो लाइव क्लासेस है और जो आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, उसके अलावा आपको घर में भी प्रिपरेशन करनी होगी यदि आप रियल में इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है 1 to 5, यानी 1 से लेके एनसीईआरटी की जो बुक होती है, ठीक है ना, एनसीईआरटी की जो बुक होती है 1 से 5 तक वो आपको पढ़ना होगा। तो उसी के बेस पे मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगी, क्योंकि अगर एनसीईआरटी की जो बुक है, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगी, अगर आपने वो चीज समझ लिया, पढ़ लिया, देन उसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊंगी और आपसे ही क्वेश्चन करूंगी कि मैंने ये सब्जेक्ट, ये चीजें मैंने पढ़ाई है, इससे एमसीक्यू लेके आई हूँ, आप बताइए लाइव एमसीक्यू, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट होगी। तो ये था आज की वीडियो में जो आपका सिलेबस है प्राइमरी लेवल के लिए, सीटेट यूपीटेट, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही होता है, इसमें आपको मैथ भी पढ़नी होती है। बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि मैम क्या ये जो प्राइमरी लेवल में सीटेट या यूपीटेट होता है, क्या उसमें मैथ कंपलसरी है? तो बिल्कुल मैथ कंपलसरी है, इसलिए इसमें मैथ भी आती है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना जो सीटेट का एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।